नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। विवाह करवाना सीखने के क्रम में हमने कन्यादान की विधि तक जाना था। आज इस वीडियो में विवाह होम, विवाह में जो होम इत्यादि होता है, पात्राशादन, विवाह होम, लाजा होम, इन सब विधि के बारे में आज विवाह में जो होम होता है उस क्रम को सीखेंगे। कारणवश विवाह का यह वीडियो मैं बहुत लेट बना पा रहा हूं, क्योंकि जो यह विवाह का विषय है थोड़ा बड़ा हो जाता है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बनाने में समय लगता है, इसलिए विवाह का वीडियो यह बहुत विलंब से आया। प्रयास करूंगा आगे आपको विवाह के अन्य वीडियो, आगे के वीडियो जल्दी देने का प्रयास करूँगा। आरम्भ करते हैं विवाह करवाने का विषय जानना। कन्यादान हो जाने के पश्चात अब वर हवन के लिए संकल्प करे और आचार्य जी संकल्प करवावें। वर अपने हाथ में जल अक्षत द्रव्य लेकर के संकल्प करे और इस प्रकार से आचार्य जी यह संकल्प बोलें। ओम अद्य कर्तव्य विवाह होम कर्मणि आचार्य कर्म कर्तुम एभिर वर्ण वर्णद्रव्यैहि गोत्रम सर्माणं ब्रह्माणं आचार्यत्वेन भवन्तमहं ऋणे। आचार्य के हाथ में वर्ण सामग्री दे दे। जो संकल्प के लिए जल अक्षत वस्त्र आदि हाथ में लिया है वर्ण सामग्री, वह आचार्य जी के हाथ में दे दें और पुनः आचार्य जी बोलें स्वस्ति वृतोस्मि, इस प्रकार से आचार्य जी बोल दें। तब पुनः वर इस मंत्र को बोलता हुआ आचार्य जी से प्रार्थना करे। आचार्यस्तु यथा स्वर्गे सक्रादीनां बृहस्पतिः तथा त्वं मम यज्ञेस्मिन् नाचार्यो भव सुब्रत। अब पुनः यह आचार्य का वर्ण था। अब पुनः हाथ में अक्षत जल द्रव्य वस्त्र आदि लेकर के ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा का वर्ण करने के लिए संकल्प करें वर। ओम अद्य कर्तव्य विवाहो कर्मणि कृता कृता वेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम एभिर वर्ण द्रव्यैहि गोत्रम सर्माणम। यहाँ पर भी ब्राह्मण अपना गोत्र बोले और अपना नाम बोले। सर्माणम ब्राह्मणम ब्रह्मत्वेन भवन्तमहं वृणे। इसके पश्चात ब्रह्मा के हाथ में वर्ण सामग्री प्रदान कर दें। जो भी ब्रह्मा हो, वैसे आचार्य जी को ही अपने ब्रह्मा मान लेना चाहिए और उन्हीं को यह समर्पित कर देना चाहिए। और सामग्री ग्रहण करते हुए आचार्य जो ब्रह्मा हो वह इस प्रकार से बोल दें वृतोस्मि। इसके पश्चात अब पुनः वर अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करें। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह तथा त्वं मम यज्ञेस्मिन् ब्रह्मा भवदिजोत्तम। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। पुनः अब आता है हवन की विधि। तो हवन विधि में एक वेदी बना लें, उस पर पंचभूत संस्कार कुशकंडिका विधान आदि करके वेदी का पंचोपचार पूजन कर लें। तत्पश्चात अब भगवान अग्नि देवता का उस पर ध्यान करें। भगवान अग्नि देवता का ध्यान हो जाने के पश्चात तथा अग्नि की पंचोपचार पूजा हो जाने के पश्चात वर अब रुआ में घृत लेकर के इन निम्न मंत्रों से आहुति दे और श्रुआ से अग्नि में घृत छोड़ने के पश्चात जो श्रुआ में घृत बचे उसको थोड़ा सा प्रोक्षणी पात्र में टपका देना चाहिए, डाल देना चाहिए। सर्वप्रथम इस प्रकार से आहुतियां हैं, इनको अघाराज्य होम कहते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा में श्रुआ से घी अग्नि पर छोड़ देना है और पुनः इदं प्रजापतये नमः में श्रुआ में बचा हुआ घी
प्रोक्षणी पात्र में टपका देना चाहिए। अगली आहुति है, इसी में भी इसी प्रकार से करना है, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नममः, ओम अगनये स्वाहा, इदम अगनये नममः, ओम सोम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नममः, ओम भूः स्वाहा, इदम अगनये नममः। इसमें भी भूः स्वाहा में अग्नि में घी छोड़ देना है और इदम अगनये नमम में थोड़ा सा सुरगा में बचा हुआ घी प्रोक्षणी पात्र में टपका देना है। ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे नमम, ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय नमम। अब हैं सर्व प्रायश्चित होम, और यहाँ से अब वैदिक मंत्रों द्वारा आहुति आरंभ होगी। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो आवायासी सीष्ठा जजिष्ठो वह्नितमः सो सुचा स्वाद्वे खगुंसि प्रमुग्धस्मत स्वाहा, इदमग्नि वरुणाभ्याम नमः। पुनः ऊपर वाले मंत्र को बोल करके, स्वाहा बोल करके आहुति छोड़ देने के पश्चात इस वाक्य को बोलते हुए इदम अग्नि वरुणाभ्याम नमः बोल करके सुरुआ में बचा हुआ घी पुनः प्रोक्षणी पात्र में टपका देना है। जहाँ जहाँ नमम शब्द आए कोई मंत्र बोलने के बाद, वहाँ पर सुरुआ में सुरुआ का घी थोड़ा सा प्रोक्षणी पात्र में जरूर टपका देना चाहिए। अगला मंत्र, सतवम नो अग्ने वामो भावो तीने दिष्ठो अस्या उखसो विष्टौ आवायक्ष्वानो वरुणगुं राराणो वीहि मृडीकगुं सुभावो ना एधि स्वाहा, इदमग्नि वरुणाभ्याम नमः। घी अग्नि में छोड़ने के पश्चात पुनः प्रोक्षणी पात्र में टपका दे थोड़ा सा घी। ओम आयाश्चाग्नेश्चनाभिस्तस्तिपाश्च सत्यमित्वामाया आसि आयानो जदियं वाहास्त्यायानो देहि भेखजग्गुं स्वाहा, इदमग्नये नमः। पुनः अग्नि में घी छोड़ने के पश्चात थोड़ा सा प्रोक्षणी पात्र में टपका दें। जेते सतम वरुणये सहस्रम जज्ञाः पासा वितता महान्ताः तेभिर्नो अद्य सवितोता विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुताः स्वर्काः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति छोड़ देने के पश्चात इदं वरुणाय सवितरे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मारुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च नमम। अब यहाँ पर टपका देना है, यह मंत्र पढ़ करके थोड़ा सा घी प्रोक्षणी पात्र में टपका देना है। आहुति ऊपर वाले मंत्र के द्वारा आहुति छोड़ देने के पश्चात पुनः ये वाला मंत्र नीचे वाला बोल लें और प्रोक्षणी पात्र में घी टपका देना है। ओम उदुत्तमम वरुण पाशमस्मदावाधमम विमध्यगुस्रथाय अथ वायमाद्यव्रते तावा नागसो आदिताये श्याम स्वाहा। आहुति छोड़ देने के पश्चात पुनः इस प्रकार से बोलें, इदं वरुणायादित्यायादितये नममः। जो हमने अब तक पांच आहुतियाँ की, यह प्रायश्चित संज्ञक आहुतियाँ थीं। अब राष्ट्रभृत होम करना है। जानते हैं राष्ट्रभृत होम के मंत्रों को, इनमें भी इसी तरह क्रमशः आहुतियाँ घी से छोड़ते जाना है, साथ ही आगे नमम बोल करके प्रोक्षणी पात्र वाले जल में सुरुआ में बचा हुआ घी, आहुति छोड़ने के बाद में बचा हुआ सुरुआ में घी उसको प्रोक्षणी पात्र में टपकाते जाना है। चलिए आरंभ करते हैं। रीता साढ़ धामाग्निर्गंधर्वः सन इदम ब्रह्मक्षत्रम पातु तस्मै स्वाहा वाट स्वाहा, इदमृता साहे ऋतधामाग्नेग्नये गंधर्वाय नमः। इस प्रकार से यह बोल करके रोक्षणी पात्र में घी टपका दें। पुनः अगला मंत्र,
ऋतासाड्रितधामाग्निर्धर्वस्तस्यौखधयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा स्वाहा में आहुति छोड़ दें और पुनः इस प्रकार से बोल करके प्रोक्षणी पात्र में घी टपकाएं। इदमोखधीभ्योऽप्सरोभ्यो मुद्भ्यो नमः। इससे आगे वाला मंत्र ओम सगुं हितो विश्वासामा सूर्यो गंधर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट स्वाहा। इदं सगुं हिताय विश्वसामने सूर्याय गंधर्वाय नमः। नमः में अब घी प्रोक्षणी पात्र में टपका दें। अगला मंत्र ओम सगुं हितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा। आहुति छोड़ दें, पुनः अब प्रोक्षणी पात्र में घी टपकाएं। इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्यो आयुभ्यो नमः। अगला मंत्र ओम सुसुम्नः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट स्वाहा। आहुति छोड़ दें, अब पुनः इस प्रकार से यह बोलते हुए प्रोक्षणी पात्र में घी को टपकावे। इदं सुसुम्नाय सूर्यरश्मये चंद्रमसे गन्धर्वाय नमः। प्रोक्षणी पात्र में घी टपका दें और पुनः यह मंत्र बोलें। मंत्र आचार्य जी को बोलना है और हवन वर को करना है। घी थोड़ा सा अग्नि में टपकाएं, उसके पश्चात से सुरुआ में बचा हुआ जल प्रोक्षणी पात्र में टपकाएं। प्रोक्षणी पात्र किसी कटोरी को भी बना सकते हैं आप उस समय, जानते हैं। अगला मंत्र ओम सुषुम्नाः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा। आहुति छोड़ दें, पुनः इस प्रकार से बोलें। इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यो नमः। पुनः अब नमः बोल करके प्रोक्षणी पात्र में घी टपका दें। अगला मंत्र ईशिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट स्वाहा। आहुति छोड़ दें और पुनः प्रोक्षणी पात्र में घी को टपकाएं। इदमिशिराय विश्वक्वचसे वाताय गंधर्वाय नमः। अब पुनः अगला मंत्र ओम ईशिरो विश्वव्यचा वातो गंधर्वस्तस्यापोऽप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा। आहुति छोड़ दें और पुनः इस प्रकार से बोलें। इदमद्भ्योऽप्सरोभ्यो ऊर्गभ्यो नमः। और इस प्रकार बोलने के बाद प्रोक्षणी पात्र में घी टपका दें और पुनः अगली आहुति के लिए अगला मंत्र बोलें। ओम भुज्युः सुपर्णो दद्यो गन्धर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट स्वाहा। घी अग्नि में छोड़ दें और पुनः अब प्रोक्षणी पात्र में इस प्रकार से बोलते हुए घी को टपकाएं। इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः। पुनः अगला मंत्र ओम भुज्युः सुपर्णो दद्यो गंधर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा नाम ताभ्यः स्वाहा। आहुति छोड़ दें और पुनः यह बोलते हुए प्रोक्षणी पात्र में घी को टपकावें। इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यस्तावाभ्यो नमः। प्रोक्षणी पात्र में घी टपका देने के बाद अब इस प्रकार से अगला मंत्र बोलें। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वः सन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट स्वाहा। पुनः इस प्रकार से बोलते हुए प्रोक्षणी पात्र में घी को टपकावें। इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय नमः। प्रोक्षणी पात्र में घी टपका देने के बाद इस प्रकार से अगला मंत्र बोलें।
ओम प्रजापतिर विश्वकर्मा मनो गंधर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस एष्टयो नामताभ्यः स्वाहा। आहुति छोड़ दें और पुनः इस प्रकार से बोलते हुए प्रोक्षणी पात्र में घी को टपकावें। इदम् ऋक्सामभ्योप्सरोभ्यो एष्टिभ्यो नमः। प्रोक्षणी पात्र में घी टपका दें। आगे जया संज्ञक होम है। अब इस जया संज्ञक होम के मंत्र तथा विधि हम अगले वीडियो में जानेंगे। यही वीडियो 18 मिनट का हो गया। इस प्रकार से विवाह में होम करवाने के कई वीडियो आएंगे, आप क्रमशः देखेंगे तो विवाह में आप होम करवाना सीख जाएंगे। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।